भूत प्रेत ये सब तो फालतू बातें हैं। ये कहने वालों एक बार इस कहानी को पूरा सुनना। अपने कानों में ईयरफोन लगा के हो जाए तैयार। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे आकाश नारंगी और बैंगनी रंग के उग्र रंगों में रंग गया। मैंने अपने बैकपैक की पट्टियों को समायोजित किया। जैसे ही मैं सुनसान समुद्र तट पर घूम रहा था, नमकीन हवा मेरे बालों को छू रही थी। शुक्र है मेरे फोन में कोई सिग्नल नहीं था, जिससे मैं समुद्र की लयबद्ध गर्जना और सिर पर मंडराते समुद्री पक्षियों की चीखों के साथ अकेला रह गया। एकांत, मैंने सोचा था, राइटर ब्लॉक का अचूक इलाज है। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपने मन में आई किसी भी कहानी से भी ज्यादा डरावनी कहानी पर ठोकर खाऊंगा। मैं दुर्घटनावश इस विशेष खाड़ी पर पहुंच गया था। यह एक छिपा हुआ रत्न था, जो समुद्र तट के पर्यटकों से भरे हिस्सों से दूर छिपा हुआ था। अब प्रकाश की आखिरी किरणों के लुप्त होने के साथ परिदृश्य बदल गया। एक अस्थिर रूप से अलग हवा आ गई। दांतेदार चट्टानी संरचनाएं, जो पहले सुनहरी धूप में नहाती थीं, मूक प्रहरी की तरह दिखाई दे रही थीं। उनकी छायाएं स्याही वाली उंगलियों की तरह रेत पर रेंग रही थीं। और फिर मैंने इसे देखा, पानी के किनारे पर हलचल की एक झिलमिलाहट बुझती हुई रोशनी को पकड़ती हुई। आंखें मूंद कर मैंने एक आकृति देखी, काली और आकारहीन, मंथन के झाग के बीच किसी चीज पर झुकी हुई। जिज्ञासा, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे मैं पास आया, आकृति सीधी हो गई, खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में प्रकट किया। उसकी त्वचा बहती हुई लकड़ी की तरह झुर्रीदार थी। उसकी आंखें पीले पत्थरों की तरह थीं, जो चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जो अब भी दृश्य को स्नान करने लगी थी। वह अपने आप में बड़बड़ा रही थी, ऐसी भाषा में शब्द जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। कंठस्थ और प्राचीन, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। अपने नुकीले हाथों में उसने एक विचित्र वस्तु पकड़ी हुई थी, कुछ ऐसा जो एक ताराम छली और एक घायल पक्षी के बीच के मिश्रण जैसा लग रहा था। इसकी सतह एक अप्राकृतिक चमक के साथ स्पंदित हो रही थी। मेरे मन में भय घर कर गया और मुझे पीछे मुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन महिला ने मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए अपना सिर उठा लिया। उसकी आंखें किसी भी गर्मी से रहित मेरी आंखों पर टिकी हुई थीं और मुझे अपनी जगह पर टिकाए हुए थीं। मुझे अपनी छाती में अचानक जकड़न महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे फेफड़ों से हवा निचोड़ रहा हो। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, वह चिल्लाई। उसकी आवाज हवा में सूखे पत्तों की तरह सरसराहट कर रही थी। यह जिज्ञासुओं के लिए जगह नहीं है। उसके हाथों में स्पंदित वस्तु तेज हो गई, जिससे उसके चेहरे पर एक भयानक चमक आ गई। उसके होंठ एक विचित्र मुस्कान में बदल गए, जिसमें सुई नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। आतंक, कच्चा और आदिम मुझ में भर गया। मैं इस भयावह दृश्य से बचने के लिए बेताब अनदेखी बाधाओं पर लड़खड़ाते हुए वापस लौट आया, लेकिन महिला सरकती हुई लग रही थी। उसके कंकाल वाले पैर रेत पर कोई निशान नहीं छोड़ रहे थे। उसने मेरा रास्ता रोक दिया। उसके हाथों में स्पंदित वस्तु चट्टानों पर नृत्य करती विचित्र छाया डाल रही थी। ज्वार बदल रहा है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज चीख जैसी हो गई। वे आ रहे हैं, भूखे और प्रतिशोधी, भाग जाओ बच्चे, जब तक तुम कर सकते हो। उसके शब्द मुझ पर एक शारीरिक आघात की तरह लगे। आखिरकार मेरे पैरों ने सहयोग करते हुए मुझे आगे बढ़ाया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हिम्मत नहीं की। मैं दौड़ा, मेरे सामने रेत उछल रही थी, मेरी सांसें उखड़ रही थीं। एकमात्र ध्वनि जिसे मैंने दर्ज करने की अनुमति दी थी, वह थी मेरे दिल की तेज धड़कन, निकट आते ज्वार की लय के विरुद्ध घबराहट भरी ढोल की थाप। मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं उस शापित खाड़ी से मीलों दूर एक अलग समुद्र तट की रेत पर गिर नहीं गया। भोर हो रही थी, आसमान गुलाबी और सुनहरे रंग से लाल हो रहा था, फिर भी वह भयानक मुठभेड़ कफन की तरह मेरे साथ चिपक गई। बूढ़ी औरत की छवि और स्पंदित राक्षसी मेरी स्मृति में समा गई। वे क्या कर रहे थे? उस शांत खाड़ी की सतह के नीचे कौन सी भयावहता छुपी हुई थी? मेरे तर्कसंगत दिमाग ने इसे एक रुग्णमति भ्रम, अलगाव और अति सक्रिय कल्पना का उत्पाद कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे भीतर कुछ गहरा, कुछ प्राचीन और आदिम जानता था कि यह वास्तविक था। दिन हफ्तों में बदल गए, परेशान करने वाली यादें लगातार साथी बनी रहीं। मेरी नींद दुःस्वप्नों से त्रस्त थी।
समुद्र तट परछाइयों की भूल भुलैया में तब्दील होता जा रहा था, जहां बूढ़ी औरत इंतजार कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो रही थी, स्पंदित प्राणी लगातार उज्जवल होता जा रहा था। आखिरकार एक रुग्ण जिज्ञासा और खुद को गलत साबित करने की जरूरत से प्रेरित होकर मैं खाड़ी में लौट आया। इस समय दोपहर का समय था, सूरज आसमान में था और पानी पर एक शानदार, लगभग चकाचौंध कर देने वाली रोशनी डाल रहा था। बुढ़िया का कोई चिन्ह नहीं था, कोई स्पंदित राक्षसी नहीं थी। चट्टाने कड़ी धूप के तहत सौम्य प्रतीत हो रही थीं। उन भयानक छायाओं का कोई निशान नहीं था जो मैंने पहले देखी थी। संदेह घर करने लगा, क्या यह सब मेरी कल्पना थी? मुझे राहत मिली, एक ज्वार की लहर ने उस डर को धो डाला जो कई हफ्तों से मुझ में बना हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। रेत में आधा दबा हुआ, चिकने कंकड़ के बीच दबा हुआ किसी चीज का एक टुकड़ा था, जिसे मैंने तुरंत पहचान लिया। स्पंदित वस्तु का एक दांतेदार टुकड़ा